सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बाइबल ने बचा ली एक सैनिक की जान, पर कैसे? और जब यूरोप की रानियों को भरी सभा में सबके सामने ही देना पड़ता था बच्चे को जन्म, पर क्यों? और जब अपनी गर्लफ्रेंड से संबंध बनाने के दौरान एक शख्स ने अपने लिंग के अंदर लगा ली फेविक्विक, पर आगे क्या हुआ? और थाईलैंड का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां बड़ी बड़ी मॉडल्स बिकनी में परोसती है खाना, और एक ऐसा विवादित क्षेत्र जिसके लिए दो देशों में हथियारों से नहीं बल्कि शराब से होती है लड़ाई। यदि आप इन सभी फैक्ट्स बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान एक अंग्रेज सैनिक की जान एक बाइबल की वजह से बच गई। दरअसल 17 साल के इस सैनिक के पास एक पॉकेट बाइबल था जिसे वो हर वक्त अपने पास रखता था। युद्ध के दौरान ही दुश्मन सैनिक इसके ऊपर गोली चलाई, लेकिन गोली इसके पॉकेट में रखे बाइबल की वजह से शरीर में जाने से रुक गई। ये गोली बाइबल में ही फंस गई। सैनिक और उसके परिवार वालों ने इसे गॉड का चमत्कार माना और गोली को बाइबल में ही फंसा हुआ छोड़ दिया। ये बाइबल आज भी उस सैनिक के वंशजों के पास है और वो गोली भी बाइबल में ही मौजूद है। नंबर 19। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां 25 साल के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने के दौरान ऐसा तरीका अपनाया कि उसकी जान चली गई। ये दोनों संबंध बनाने के लिए एक होटल में गए थे, लेकिन ये दोनों कॉन्डोम खरीदना भूल गए, जिसके बाद अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए इस लड़के ने फेविक्विक से अपने प्राइवेट पार्ट को सील कर दिया। ऐसा करने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर अगले दिन उसकी मौत हो गई। नंबर 18। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा परिवार था जिसका रंग ब्लू था। ब्लू रंग वाले इस परिवार को ब्लू फुगेट्स के नाम से जाना जाता है। मार्टिन फुगेट और एलिजाबेथ स्मिथ ने 1820 के आसपास शादी की। इन दोनों को 7 बच्चे हुए जिनमें से 4 बच्चों का रंग ब्लू था, जिसके बाद से ही उनके परिवार में ब्लू रंग का ये सिलसिला चला रहा है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर का ब्लू रंग ब्लड डिसऑर्डर मेथेमोग्लोबिनेमिया की वजह से होता है। इस परिवार में ब्लू रंग के आखिरी बच्चे का जन्म वर्ष 1975 में हुआ। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। नीदरलैंड्स की 57 साल की ये महिला रोटरडैम जू में हमेशा घूमने आती थी और बोकिटो नाम के इस गोरिल्ला के पास रुककर उसके सामने मुस्कुराती थी। जू अथॉरिटी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। एक दिन जैसे ही ये महिला गोरिल्ला के पास आई तो तब गोरिल्ला किसी तरह से अपने एनक्लोजर से निकल गया और उसने महिला के ऊपर अटैक कर दिया। इस हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। थैंकफुली उसकी जान बच गई। शायद ये गोरिल्ला दिल टूटा हुआ आशिक था, तभी इसे महिला की मुस्कुराहट देखकर गुस्सा आ गया। नंबर 16। लगभग 3000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, तो तब एंशियंट इजिप्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया जाता था। जिन महिलाओं को प्रेग्नेंट होने की उम्मीद होती थी वो जौ और गेहूं के दानों पर पेशाब करती थी और फिर इन दोनों अनाजों को अलग अलग रख दिया जाता था। यदि अनाज अंकुरित हो जाए तो फिर महिला को प्रेग्नेंट माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के यूरिन की वजह से प्लांट ग्रोथ 70% तेजी से होता है। रिसर्च में ये बात साबित हुई कि एंशियंट इजिप्ट में प्रेगनेंसी का पता लगाने का ये तरीका 70% तक सही साबित होता था। नंबर 15। दुनिया के दो ऐसे भी देश हैं जिनके बीच विवादित क्षेत्र को लेकर लड़ाई बंदूक से नहीं बल्कि शराब से होती है। हैंस आइलैंड कनाडा और डेनमार्क के बीच का विवादित क्षेत्र है। दोनों ही देश इस पर अपना दावा करते हैं। इस आइलैंड पर ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही यहाँ किसी देश ने अपनी सेना तैनात कर रखी है, लेकिन हाँ दोनों देशों की मिलिट्री समय समय पर यहाँ आती रहती है और वो भी किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का झंडा हटाने के लिए। दोनों ही देश समय समय पर आइलैंड पर अपना झंडा गाड़ कर एक बड़ा ही मजेदार काम करते हैं। असल में झंडा गाड़ने के बाद कनाडा के सैनिक वहाँ कैनेडियन विस्की और डेनमार्क के सैनिक डेनिश स्नैप छोड़ जाते हैं। इन दोनों देशों के बीच ये सिलसिला दशकों से चला रहा है और इसे विस्की वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का कोई फायदा तो नहीं है, बट एटलीस्ट दोनों देशों के सैनिकों को फ्री में शराब की एक एक बोतल मिल जाती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। सैयद आगा हैदर, ये वो नाम है जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिए जाने के संबंधी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। सहारनपुर के रहने वाले सैयद आगा हैदर 3 जजों की उस टीम में शामिल थे जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मामले में सुनवाई कर रही थी। टीम में बाकी दोनों जज अंग्रेज थे। जब दोनों अंग्रेज जजों ने इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई तो तब उन्होंने आगा हैदर से भी फांसी के ऑर्डर पर सिग्नेचर करने के लिए कहा, लेकिन आगा हैदर ने इससे इनकार कर दिया।
जब उन पर दबाव बनाया गया तो तब फांसी के ऑर्डर पर सिग्नेचर करने के बजाय उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नंबर 13, एक ऐसी महिला जो कैमरे के सामने फाट मारकर हजारों रुपए कमाती है। जी हाँ दोस्तों, अजीबोगरीब दुनिया में ऐसे अजीबो कामों से भी कमाई की जा सकती है। फाट मारकर कमाई करने वाली इस महिला का नाम लश बोटेनिस्ट है। लश बोटेनिस्ट कैमरे के सामने फाट मारते हुए वीडियो बनाती है और फिर वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करती है, जिससे इन्हें हर वीडियो के जरिए 10 से 15 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। उठा ले रे बापा, उठा ले, मेरे को नहीं रहना रे इस दुनिया में। नंबर 12, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सदियों तक यूरोपीय देशों में रानी सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने अपने बच्चों को जन्म देती थी। लेबर पेन शुरू होते ही पूरे राजमहल में ऐलान कर दिया जाता था और फिर राजा का पूरा खानदान, राजमहल के अधिकारी और राज्य के वीआईपी लोग रानी के सामने जमा होकर उन्हें बच्चे को जन्म देते हुए देखा करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे को जन्म के समय बदला ना जा सके और राजा का असली बेटा ही राजगद्दी संभाले। फ्रांस की रानी मैरी एंटोनिटी को तो लगभग 200 लोगों के सामने अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। नंबर 11, एक ऐसा सीरियल किलर जो लोगों की हत्या करने के बाद उसकी लाश को पकाकर दूसरे लोगों को खिला देता था। इस खोखार सीरियल किलर का नाम जॉय मैथनी था। इस शैतान ने 13 बेगुनाह लोगों की हत्या की थी। हत्या करने के बाद वो लाश को टुकड़ों में काटकर जानवरों के मांस के साथ मिलाकर पका देता था। ये मैरीलैंड में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर बर्गर्स बेचा करता था। जानवरों के मांस के साथ इंसानों के मांस को पकाकर वो उससे बर्गर समेत और भी कई डिश बनाता था और फिर वहां आने वाले कस्टमर्स को इंसानों का मांस खिला देता था। जब इससे लोगों की हत्या करने की वजह के बारे में पूछा गया तो तब इसका कहना था कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। इसे अपराध साबित होने के बाद 50 साल कैद की सजा मिली। वर्ष 2017 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। नंबर 10, स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये ट्रेलर यूट्यूब पर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला वीडियो बन गया है। रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर इस ट्रेलर को 355.5 मिलियन व्यूज मिले थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के नाम था। इस फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में 289 मिलियन व्यूज मिले। नंबर 9, जर्मनी के एक मॉडल को तेंदुए के इनक्लोजर में फोटोशूट करवाना था और वो इतना भारी पड़ गया कि इस मॉडल की जान जाते जाते बची। जेसिका लेडोल्फ नाम की 36 साल की ये मॉडल खुद को एनिमल लवर कहती है और जानवरों के साथ फोटोशूट करवाती रहती है। इसी सिलसिले में वो जर्मनी के एक एनिमल शेल्टर में गई और तेंदुए के एनक्लोजर में घुसकर फोटोशूट करवाने लगी, लेकिन वहां मौजूद दो तेंदुओं को जेसिका की मौजूदगी रास नहीं आई और दोनों ने इन पर हमला कर दिया। हमले में जेसिका बुरी तरह जख्मी हो गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया। जेसिका की जान तो बच गई लेकिन उनके चेहरे पर हमले के दाग हमेशा रहेंगे। नंबर 8, दोस्तों दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से लगभग हर किसी की कई अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन हम इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति है। वर्तमान समय में हम भले ही अकेले हैं लेकिन पास्ट में हम इंसानों की भी कई प्रजातियां हुआ करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में इंसानों की लगभग 21 प्रजातियां हुआ करती थी। इनमें से ज्यादातर प्रजाति तो अलग अलग दौर में दुनिया में रहती थी, लेकिन कई दौर ऐसे भी थे कि जब इंसानों की एक से ज्यादा प्रजाति एक साथ इस दुनिया में रहा करती थी। नंबर 7, मिम नाम की एक अंगारू जब बेहद छोटी थी तो तभी इसे लावारिस हालत में देखकर एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली इसे अपने घर ले आई। इस फैमिली ने मिम को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया और जब ये बड़ी हो गई तो तब इसे अपने जिंदगी जीने के लिए जंगल में उसने छोड़ दिया। मिम कई सालों तक जंगल में अपनी जिंदगी जीती रही और ये वापस से उस फैमिली के पास कभी नहीं आई, लेकिन वर्ष 2019 में जब न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में भयानक आग लग गई तो तब ये कंगारू सुरक्षित जगह की तलाश में अपने पुराने घर वापस आ गई। मिम को अपने दरवाजे पर देखकर ये फैमिली काफी हैरान हो गई और इन लोगों ने मिम को फिर से अपने पास रख लिया। नंबर 6, दोस्तों अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जंगल कितना बड़ा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल भारत के कुल क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना बड़ा है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वही अमेज़न जंगल का कुल क्षेत्रफल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 5, दोस्तों जब हम पटाखे जलाते हैं तो तब उसमें जोरदार आवाज निकलती है, लेकिन इटली के शहर कोलेक्चियो में ऐसा नहीं होता। वहाँ पटाखे तो जलाए जाते हैं लेकिन उन पटाखों से आवाज नहीं निकलती। दरअसल पटाखों की तेज आवाज से जानवरों और छोटे बच्चों को होने वाले नुकसान को देखते हुए इस शहर में आवाज वाले पटाखे बैंड हैं। नंबर 4, दोस्तों अपने देश में 87 रुपए में भले ही 1 लीटर पेट्रोल या डीजल भी ना मिले, लेकिन इटली में इतने ही पैसे में एक घर मिल रहा है। इतने सस्ते घर इटली की राजधानी रोम शहर से 70 किलोमीटर दूर स्थित माइंजा शहर
में मिल रहे हैं सिर्फ एक यूरो में। घरों को बेचने की वजह यह है कि ये शहर पिछले कई दशकों से वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन अब इटली की सरकार इस शहर में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए शहर को आबाद करना जरूरी है। यहाँ पुराने घरों को सिर्फ 87 रुपए में बेचा जा रहा है। घर खरीदने वाले शख्स को 3 साल के अंदर ही घर को रेनोवेट करना होगा और 5,000 यूरो जमा भी कराना होगा, जो कि रिनोवेशन के बाद वापस कर दिया जाएगा। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको भी अपने मोबाइल को पॉकेट में रखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपके मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा है या फिर किसी का मैसेज, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं? अगर हाँ तो फिर आप फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, ये कोई बीमारी नहीं और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। नंबर 2, कैक्टस बहुत ही खतरनाक पौधा माना जाता है। ये ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कैक्टस को हम और आप छूने से भी डरते हैं, उसे कैमल यानी ऊंट बड़े ही चाव से खाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैमल को रेगिस्तान में कैक्टस के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता, इसीलिए कैमल को कैक्टस खाने की आदत पड़ गई है। नंबर 1, थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट ऑनर ने अपने रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी और सेल्स बढ़ाने के लिए एक ऐसा आइडिया चुना जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि धंधा करो तो बड़ा करो। मनसुख भाई, इस रेस्टोरेंट ऑनर ने अपने रेस्टोरेंट में फीमेल मॉडल वेटर्स को हायर किया जो बिकनी पहनकर कस्टमर्स को फूड सर्व करती है। इस आइडिया के बाद से इस रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लगनी चालू हो गई। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आप उनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।